मोदी 3.0 की पहली बड़ी बैठक मंत्री परिषद में पीएम का बड़ा ऐलान मोदी के ऐलान से विपक्ष में हडकंप नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी आपके साथ मैं हूं परवीन शेख मोदी 3.0 की पहली मंत्री परिषद की बैठक से काफी हैरान करने वाले फैसले जो है वो सामने आए हैं मोदी ने फिर से विपक्ष की हालत खराब करने की रणनीति बनाई है इस बार पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को जो मंत्र दिया है उससे मोदी विरोधियों की बोलती बंद हो गई है पीएम का साफ कहना है कि 2024 को देखकर नहीं बल्कि दो को देख कर काम करें यानी पीएम ने अपने इरादे बता दिए है की विपक्ष को दो में भी सत्ता के आस भटकने नहीं देंगे पीएम के इस ऐलान से उनके विरोधी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के चेहरे का रंग उड़ चुका है मंत्री परिषद की बैठक में क्या हुआ मोदी का मंत्रियों को नया मंत्र परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म और इनफॉर्म मोदी सरकार 3.0 की पहली परिषद की बैठक बुधवार को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की मोदी सरकार 3.0 के तहत मंत्री परिषद की पहली बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने नया मंत्र दिया परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म और इनफॉर्म बैठक में साफ कर दिया गया कि सरकार की उपलब्धियों के तेज और ज्यादा अधिक प्रभावी संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में 10 साल पूरे होने वाली योजनाओं का जश्न मनाने की योजना बनाई गई जैसे जन धन योजना इंफ्रा स्वास्थ्य और शिक्षा पर बनी पीपीटी और पिछले पिचासी दिनों में कैबिनेट के लिए किए गए तिहत्तर बड़े फैसले दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में परिषद की यह बैठक करीब पांच घंटे तक चली इस बैठक में बीजेपी नीत यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन के एजेंडे पर भी यहां पर चर्चा की गई प्रगति का जायजा भी लिया गया बैठक के दौरान महिलाओं गरीबों युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव भी मौजूद थे तो इस बैठक में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे सभी मंत्री मौजूद थे और इस वक्त पीएम मोदी जो थे वो काफी जोश में नजर आए सौ दिन के एजेंडे के साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया कि जिन दो राज्यों में चुनाव है वहां पर किन किन चीजों पर फोकस करना है यानी साफ है कि वहां पर मुद्दे क्या होने वाले हैं उन मुद्दों पर मंत्रियों को क्या काम करने हैं नेताओं को किस तरह वहां पर काम करना है इसकी पूरी प्लानिंग की गई और इस पर रणनीति बनाई गई आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है और चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो चार अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के नतीजों का फैसला भी आ जाएगा लेकिन उससे पहले यहां पर विपक्ष के ऐसे नाक में करना है विपक्ष की रणनीति को कैसे फेल करना है इस पर भी जमकर चर्चा की गई बैठक में जून में सरकार के सत्ता में आने के बाद से नई योजनाओं और नीतिगत निर्णयों के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया गया बैठक में पीएम मोदी ने करीब 40 मिनट तक बात की और मंत्रियों सचिवों को उत्साह आशावाद और दृढ़ विश्वास के साथ काम करने के लिए उत्साहित किया उन्होंने निर्वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गोवा को भी उनके काम के लिए धन्यवाद दिया बैठक में एक पेड़ मां के नाम अभियान स्वच्छता का विशेष उल्लेख किया गया साथ ही बजट घोषणाओं पर प्रमुखता से काम करने को कहा गया विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी 100 दिन एजेंडे पर अपने अपने मंत्रालयों के लिए कामों को पेश किया बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एनडीए सरकार ने दो तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए रेलवे लाइन बंदरगाहों हवाई अड्डों और औद्योगिक स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए दो दशमलव तीस लाख रुपए से अधिक की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी यानी पीएम मोदी का टारगेट दो है जबकि विपक्ष सिर्फ दो की सोच कर बैठा है पीएम मोदी के टारगेट दो को लेकर विपक्ष की हालत अभी से खराब हो चुकी है क्या है पीएम मोदी का मिशन दो किस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं मोदी पीएम मोदी ने अठहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था उस वक्त ही उन्होंने विकसित भारत का खाका खींच दिया था स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का यह लगातार ग्यारहवा भाषण था जिसमें उन्होंने पहले अपनी सरकार की कई योजनाओं की घोषणा लाल किले से की थी लेकिन इस भाषण में भी उन्होंने विकसित भारत का रास्ता बताया था उन्होंने इस दिशा में अपनी सरकार में उठाए गए कदमों का जिक्र किया उन्होंने कहा कि मेरा भारत महान बने इसके लिए हमारा एक ही संकल्प है नेशन फर्स्ट इसी संकल्प को लेकर हम कदम उठा रहे हैं और इसी का जिक्र उन्होंने यहाँ पर मंत्री परिषद की बैठक में भी किया विकसित भारत की चुनौतियाँ भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा जब 40 करोड़ देशवासियों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ फेंक दिया और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है आज हम 140 करोड़ हैं अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और आजादी का सपना पूरा कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प एक दिशा और कदम से कदम मिलाकर हर चुनौती को पार कर हम समृद्ध भारत बना सकते हैं हम दो तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए विकसित भारत दो सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है देश के कोटी कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत दो के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं मेरे देश के सामान्य नागरिकों ने हमें अमूल्य सुझाव दिए हैं यानी लगातार पीएम मोदी ये बता रहे हैं कि वो किस तरह दो के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए आम जनता से सुझाव भी लिए जा रहे हैं और आम जनता भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने विकसित भारत का सपना दिखाते हुए इस दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे हैं गरीब हो मध्यम वर्ग हो वंचित हो हमारे नौजवानों के संकल्प और हमारे सपने हो या हमारी बढ़ती हुई शहरी आबादी हो इन सभी के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमने रिफॉर्म का रास्ता चुना है उन्होंने कहा कि रिफॉर्म का हमारा मार्ग आज ग्रोथ का ब्लूप्रिंट बना हुआ है उन्होंने ये भी कहा है कि हमें एक बड़ा दायित्व सौंपा गया है और हमने जमीनी स्तर पर प्रमुख सुधार किए हैं मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सुधारों की प्रतिबद्धता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है हमारी सुधार प्रक्रिया किसी प्रशंसा के लिए नहीं है बल्कि देश को मजबूत करने के लिए है यही कारण है कि मैं कह सकता हूं कि हमारे सुधारों का मार्ग विकास की एक योजना है ये सुधार ये विकास और ये परिवर्तन सिर्फ बहस क्लबों बौद्धिक समाजों और विशेषज्ञों के लिए नहीं है हमने यह राजनीतिक मजबूरियों के लिए नहीं किया है हमारे पास सिर्फ एक संकल्प है उन्होंने कहा कि हमने देश के अठारह हजार गांवों में बिजली पहुंचाई है तीन करोड़ परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाया और देश के हर परिवार में स्वच्छता का वातावरण बनाया ये भारत में आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है उन्होंने ये भी कहा कि हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल अब आर्थिक व्यवस्था के लिए एक नया मंत्र बन चुका है हर जिले ने अपने उत्पादों पर गर्व करना शुरू कर दिया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बन चुका है किसी को डरने की जरूरत नहीं भारत कैसे बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी वैसे पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनावों के ऐलान के वक्त ही ये बता चुके हैं कि उनका लक्ष्य काफी बड़ा है पीएम मोदी ने सैतालीस तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी को लेकर सकारात्मक रुख जताते हुए पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया और कहा कि आने वाले पांच साल में भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा वैसे अभी भारत दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है भारत से आगे अमेरिका चीन जर्मनी और जापान है भारत के 2026 में जापान और 2027 में जर्मनी से आगे निकलने का अनुमान है जापान फिलहाल मंदी में फंसा है जबकि जर्मनी की इकोनॉमी भी संघर्ष कर रही है इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म यानी कि जेफ्रीज ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर सकारात्मक रुख जताते हुए कहा कि आने वाले पांच साल में देश की इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस लिहाज से भारत दो तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा दो विकसित भारत प्रोजेक्ट पर काम पिछले दो साल से चल रहा है यहां तक कि मैंने अपने तीसरे ट्रम में 100 दिनों के लिए एक टारगेट भी तय किया है मैं पिछले दो साल से दो विजन पर काम कर रहा हूँ इसके लिए मैंने देश भर के लोगों से राय और सुझाव मांगे मैंने 15 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए हैं उनसे जानना है कि वो आने वाले 25 साल में भारत को कैसा देखना चाहते हैं तो पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में विकास की गति और पैमाने को बढ़ाने की भी प्रतिबद्धता जताई है उन्होंने कहा अगले कार्यकाल में मुझे स्पीड के साथ साथ स्केल भी बढ़ाना है यही मेरा लक्ष्य है जब देश की जनता देश चलाने की जिम्मेदारी हमें सौंपती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए पीएम ने यह भी कहा था कि मैं देश को मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा हूं जब देश मजबूत होता है तो हर किसी को इसका फायदा होता है हम कड़ी मेहनत करें हम ईमानदारी से काम करें और इन चीजों का प्रभाव पड़ता है इसलिए दो के चुनावों में हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए और पीएम ने यह भी दोहराया कि दो में भी उनकी सरकार ने अपने पहले सौ दिनों में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थी तीसरे

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के पास देश को 2019 तक आगे ले जाने का स्पष्ट रोडमैप तैयार है साथ ही दो तक विकसित भारत का भी प्लान तैयार है यानी इरादे नेक हैं और इरादे काफी मजबूत भी हैं और इन इरादों से विपक्ष में भी हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि पीएम मोदी ने फिर साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है कोई एक्शन प्लान नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है कि दो तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी मुहिम में पीएम मोदी जुटे हुए हैं और अपने मंत्रियों को भी उन्होंने इसमें झोंक दिया है या साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया है कि आप आपको भी कड़ी मेहनत करनी होगी और जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को हासिल करना होगा स्पेशल स्टोरी में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार